आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 25 मार्च को चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भोपा बाजार चौराहा पर जाम लगाकर उपद्रव एवं आम जनमानस पुलिस बल पर पथराव व तोड़फोड़ करने वाले 9 अभियुक्तों को चौरी चौरा व झंगा पुलिस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। SSP ने किया खुलासा। स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए गोरखपुर महाराजगंज में 33 मतदान केंद्रों पर 9 अप्रैल को होगा मतदान। जिलाधिकारी ने कहा, शांतिपूर्वक संपन्न होगा मतदान, सभी तैयारियां हैं पूरी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लोक निर्माण विभाग NHI सेतु निगम के कार्यों की प्रगति की संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बरसात से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय रेलवे ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप का हुआ समापन। नॉर्दर्न रेलवे ने सेंट्रल रेलवे को हराकर बनी कुश्ती चैंपियनशिप की विजेता। पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक ने विजेता व उपविजेता टीम को किया सम्मानित। पुलिस का एक मानवीय चेहरा आया सामने। शाहपुर में SSP के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान पब्लिक वाहनों में लगी आग को SSP के वाहन चालक ने वाहन से अग्निशमन उपकरण निकालकर आग बुझाया, जान माल की हानि होने से बचाया। SSP ने उत्साहवर्धन हेतु चालक मनोज को 500 रुपए नगद देकर किया सम्मानित। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी ने कैग नई दिल्ली को 15 रन से हराकर लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी पर किया कब्जा। मुख्य अतिथि ADG जोन UPCA के निदेशक युद्धवीर सिंह ने विजेता व उपविजेता टीम को नगद पुरस्कार व ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। और उत्तर प्रदेश जूनियर फुटबॉल प्रीमियर लीग 2022 प्रतियोगिता का ट्रायल हुआ संपन्न। गोरखपुर मंडल के लगभग 175 से अधिक खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग।